The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, namaskar, adab, sat sri akal, dosto, main hu Dr. Paramjeet, aur aap dekh rahe hain Dr. Education, aur aaj hum baat cheet karne wale hain snoring ke baare mein. Snoring या बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से सांस लेना, क्या दिक्कत हो सकती है स्नोरिंग वाले पेशेंट्स को, और स्नोरिंग से एग्जैक्टली क्या आप भी स्नोर करते हो? भाई कई लोग स्नोर करते हैं और कई लोग इस बारे में सोचते हैं कि भाई मैं स्नोर करता हूँ या मेरे हस्बैंड स्नोर करते हैं या मेरी वाइफ स्नोर करती है, तो भाई इसका मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा. ऐसे कई लोग पूछते भी हैं हमसे और कई लोग एक दूसरे से भी पूछते हैं कि भाई तुम बता दो स्नोरिंग का क्या इलाज है, स्नोरिंग कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो आज हम बातचीत करेंगे इसी टॉपिक पे जो कि है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, स्नोरिंग. सो स्नोरिंग का मतलब, स्नोरिंग का कारण, स्नोरिंग से लेके कोई ख़तरनाक बीमारी, स्नोरिंग का कॉम्प्लिकेशन, स्नोरिंग का हर चीज, हर एस्पेक्ट आज हम कवर करेंगे और स्नोरिंग के बारे में सब कुछ समझेंगे. सबसे पहले समझते हैं कि जो स्नोरिंग है वो एक आवाज आ रही है, सबको पता है स्नोरिंग क्या होती है, लाउड नॉइज होता है, हॉर्स नॉइज होता है, हार्श ब्रीदिंग होती है जो कि आपके नींद के दौरान निकलती ऐसी साउंड होती है. एंड स्नोरिंग इज वेरी कॉमन इन एडल्ट्स, इंसान मतलब एडल्ट में एक उम्र के बाद स्नोरिंग बहुत कॉमन है और इसके वजह से दोनों को सोने में दिक्कतें आ सकती है, हस्बैंड वाइफ, पार्टनर, नॉन पार्टनर, और साथ ही जो पेशेंट स्नोर कर रहा है, जो पर्सन स्नोर कर रहा है उसको खुद बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है स्नोरिंग के वजह से. और कई बार स्नोरिंग एक अपने आप में सीरियस बीमारी का भी इंडिकेटर होता है जिसका नाम है स्लीप एपनिया. जी हाँ, स्लीप एपनिया एक सीरियस बीमारी है और वो एक कारण है स्नोरिंग. इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्लीप एपनिया वालों को स्नोरिंग होती है, ना, बिल्कुल नहीं. स्नोरिंग में बहुत से कारण इन्वॉल्व होते हैं. समझ लीजिए क्या क्या कारण होता है. जब आप सोते हैं होता क्या है, आपके गर्दन के, गले के, थ्रोट के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं और इसके वजह से आपकी जो टंग है वो स्लिप होके बैक गिर सकती है. टंग जो है बैक गिर सकती है. अगर कोई भी चीज आपके एयर फ्लो को, सांस की नली में जाने से फ्री फ्लो को रोक देती है, चाहे वो आपके मुंह के रास्ते में हो, नाक के रास्ते में हो, या सीधा उसके गर्दन या जबान पीछे गिर रही है, उस किसी भी चीज से स्नोरिंग जैसी आवाज आ सकती है. सो स्नोरिंग ऑकर्स व्हेन समथिंग ब्लॉक्स द एयरवे फ्रॉम फ्लोइंग फ्रीली थ्रू योर माउथ एंड नोज एंड टू द सांस की नली. सो व्हेन यू ब्रीद, ये वॉल्स होते हैं जो आपके थ्रोट खुलता है और वहां से अंदर जाता है, और जब आप बात करते हो तो ये वॉल्स जो है वाइब्रेट करते हैं, कॉजिंग स्नोरिंग साउंड. इसके कई सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो स्नोरिंग करवा सकते हैं. एक फैक्टर है सबसे बड़ा, मोटापा. अगर आप मोटे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, अगर आप बहुत एक्स्ट्रा टिश्यू है आपके गर्दन में, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएगा. टिश्यू ज़्यादा है, गर्दन मोटी है, तो गर्दन मोटी वाले, खासकर गर्दन मोटी है उसको स्नोरिंग हो सकती है. उस स्नोरिंग के वजह से आपको बीमारियां भी हो सकती है. जी हाँ, अगर कोई टिश्यू स्वेलिंग है, टिश्यू स्वेलिंग ड्यूरिंग सम प्रेगनेंसी, मान लीजिए प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर मोटा हो गया, सूज गया, तब भी आपकी स्नोरिंग हो सकती है. अगर आपका नाक की हड्डी टेढ़ी है, अभी हम कारण बता रहे हैं स्नोरिंग के क्या क्या कारण है, समझ लीजिए, नाक की हड्डी टेढ़ी, मोटापा प्रेगनेंसी में, और नाक की हड्डी टेढ़ी होती है तो क्या होगा, एक नाक छोटा एक नाक बड़ा, उसके वजह से भी स्नोरिंग हो सकती है. तो वो नाक वाली स्नोरिंग है जो हम पैदा कर सकते हैं ऐसे, तो वो है स्नोरिंग. सो नाक वाली स्नोरिंग,
उसके अलावा कई बार जो नेसल पॉलिप नाक के अंदर कभी कभी एक पॉलिप होता है, पॉलिप यानी गांठ, पॉलिप अगर बड़ी हो जाए, बड़ा हो जाए तो नाक का रास्ता छोटा कर देगी, उसके वजह से भी हो सकता है। इसी तरह से अगर आपको कोल्ड है, कोई एलर्जी है, तब ज्यादा स्नोरिंग हो सकती है बिकॉज वहां पे रास्ता जो है बंद हो गया है बिकॉज ऑफ द कोल्ड एलर्जीज वॉट एवर। और अगर आपके सॉफ्ट पैलेट यानी मुंह के अंदर जो ऊपर का रूफ होता है, छत होता है, ये ऊपर वाली, तो वो वहां पर अगर मान लीजिए, या फिर उसके पीछे जो छोटी जीभ होती है जिसको हम युवुला बोलते हैं, अगर वहां पर कहीं पे भी स्वेलिंग हो जाए, यहाँ यहाँ कहीं भी स्वेलिंग हो जाए मुंह के अंदर, तो वो भी आपका कह लीजिए ज्यादा बड़ा हो जाए तो स्नोरिंग कर सकता है। इसके अलावा पीछे आपके टॉन्सिल्स हैं, गले के पीछे टॉन्सिल्स हैं, उसके थोड़ा ऊपर नाक के रास्ते में एडिनोइड्स हैं, तो टॉन्सिल्स में या एडिनोइड्स में स्वेलिंग हो जाए तब भी आपको स्नोरिंग हो सकती है। और ये भैया सबसे बड़ा कारण है बच्चों में स्नोरिंग होने का। तो अगर बच्चों में किसी को स्नोरिंग हो रही है तो उसमें उनके गले को टेस्ट करना होगा, टॉन्सिल्स के लिए, एडिनोइड्स के लिए, और इसके लिए ENT के डॉक्टर को दिखाना होगा। अगर कोई किसी की जबान ज्यादा लंबी है, ज्यादा बड़ी है, और या मान लीजिए मुंह छोटा है, तो उसको भी स्नोरिंग हो सकती है। अगर किसी का मसल टोन कमजोर है, वीकनेस बहुत ज्यादा है, जैसे उम्र के साथ हो जाती है, या जो किसी ने स्लीपिंग पिल्स लिया है, किसी को बेहोश किया हुआ है, कोई एंटी हिस्टामिन दवाई ली हुई है, दारू पी हुई है, तो ऐसे लोगों में स्नोरिंग बढ़ जाती है। याद रखिए, स्नोरिंग के इतने सारे कारण हो सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, एक मेजर बीमारी जिसका नाम है स्लीप एपनिया, वो भी स्नोरिंग कर सकती है। और यहां पर स्लीप एपनिया में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका समझना। स्लीप एपनिया में कंप्लीट या पार्शियल ब्रीदिंग में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ब्रीदिंग रुक जाती है, या तो आधी या कंप्लीटली। अगर वो मोर देन 10 सेकेंड रुक रही है तो दैट इज एक्चुअली स्लीप एपनिया, मतलब नींद में आते आते आपका गला घुट गया, नींद में ही आपकी सांस रुक गई है, ये हो रहा है। 10 सेकेंड तक आप अगर सांस आपकी वहां रुक रही है कंप्लीटली या पार्शियली, दैट इज स्लीप एपनिया। उससे क्या होता है, 10 सेकेंड में, मात्र 10 सेकेंड में आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही, एंड दैट टाइम आप एक सडन शॉर्ट गैस्प लेके उठ जाते हो, और वो आपको हो सकता है याद ना रहे, लेकिन आपके पार्टनर को याद रहेगा कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। सो दैट इज क्लासिकल ऑफ स्लीप एपनिया। वो है तो पक्का स्लीप एपनिया है, नहीं तो फिर भी आप स्लीप स्टडी करा सकते हो, स्लीप स्टडी से पता चलेगा स्लीप एपनिया है या नहीं। स्लीप स्टडी एक टेस्ट होता है। ये गैस्पिंग का मतलब है यू विदाउट एक्चुअली रियलाइजिंग यू टेक द ब्रेथ बिकॉज यू बेसिकली आपको एपनिया हो रहा है, राइट। सो देन यू स्टार्ट टू स्नोर अगेन, फिर से साइकिल शुरू होता है, फिर 2-4 मिनट 10 मिनट बाद फिर आपको, तो इससे क्या हो जाता है, आप कभी डीप स्लीप में जाते ही नहीं। इससे क्या होता है, आप दिन भर सोए सोए रहते हो, कभी यहाँ आंख लग गई, कभी गाड़ी में आंख लग गई, कभी ट्रेन में आंख लग गई, कभी यहाँ आंख लग गई, कहीं भी आंख लग गई, या कहीं कहीं पहुंच गए, ऑफिस में मीटिंग चल रही है आंख लग गई, खराटे लेने लग गए। सो दैट इज अ साइन, डे टाइम स्लीपीनेस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ स्लीप एपनिया या इनकम्प्लीट स्लीप, तो वहां पर भी टेस्ट जरूरी है। यहां पे आपको इंपॉर्टेंट आ जाए, स्लीप एपनिया एक बीमारी है जो रिस्की भी हो सकती है। तो ऐसे में अगर आप स्नोरिंग करते हैं तो आप क्या करें, आप अपने आप को कैसे स्नोरिंग को रिड्यूस करें, क्या करें, ये भाई उनके लिए जिन्होंने पूछा था, अल्कोहल या ऐसी कोई मेडिसिन जो नींद के लिए लेते हो, कोई एंटी हिस्टामिन, कोई एलर्जी की मेडिसिन, सिट्रिजीन जैसी दवाइयाँ, या नींद की गोलियां, या अपना सर्दी खांसी की दवाइयां, वो ना लें। पहली बात, बंद करें, अवॉइड करें, अगर बहुत ही जरूरत है तब लें, नहीं तो नहीं लें। और अपने पेट पे सीधा ना लेटें, सीधा पेट पे ना लेटें, आप लेटें या तो लेफ्ट लैटरल साइड पे, और लेफ्ट लैटरल सबसे अच्छा है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अपने क्या कर सकते हैं, एक गोल्फ, या यू कैन एक्चुअली स्यू अ गोल्फ और टेनिस बॉल इनटू द बैक ऑफ योर नाइट क्लोथ्स। अब क्या होगा, इससे आप अपने पीठ पे, यहां पर बिल्कुल बैक पे, पीठ पे एक टेनिस बॉल को सी दीजिए। उससे क्या होगा, जैसे ही आप अपने पीठ पे आओगे, नींद में तो मेरे को पता नहीं चलता कि मैं कहाँ सो रहा हूं, तो क्या होगा, आप जैसे ही पीठ पे आओगे आपको दर्द होगा, क्या ये, फिर आप चुपचाप टेढ़े हो जाओगे। सो दिस इज ऑल्सो गुड मेथड कि इसमें यहाँ पे सी डालो और जय महाकाल, आप तो वही सीधा लेटा ही नहीं सकते, सीधा नहीं लेटना है, टेढ़ा
टेढ़ा लेटना है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में ये एक हैबिट बन जाएगी आपकी नींद टेढ़ा सोने की। देन यू हैव टू लूज वेट अगर आपका वजन ज्यादा है, एंड देन देर आर सम ओवर द काउंटर ड्रग फ्री नेजल स्ट्रिप्स, नाक की स्ट्रिप जो नॉस्ट्रिल्स को वाइड करती है। लेकिन ये भैया स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट नहीं है, ये ट्रीटमेंट है जिसका नाक में हड्डी टेढ़ी है, टॉन्सिल्स है, नाक में अपना ऐसा कोई चीज़ है, तब फिर ये काम ज़्यादा करेगी। सो उसके अलावा आपके डॉक्टर आपको, अगर आपको एक्चुअल स्लीप एपनिया है, तो आपको स्लीपिंग ब्रीदिंग डिवाइस देंगे जिसका नाम सीपैप, बाईपैप, बाईपैप ज़्यादा कॉमन है, ऐसी मशीन होती है, बहुत महंगी आती है, रेंट पे मिलती है, रेंट पे ले सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं वजन कम करने की। 10% तक अगर आप वजन कम कर लें तो आपका जो ये इशू है हो सकता है ये खत्म हो जाए। लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि मैं डॉक्टर के पास कब जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। अगर आपको अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी में प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आप दिन भर सोए सोए रह रहे हैं, अगर आप बहुत टायर्ड रह रहे हैं, दिन भर ड्राउजी रह रहे हैं, अगर आपको गेन वेट गेन हो रहा है, अगर आपको हेडेक हो रहा है, अगर आप और बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से थक चुके हैं, नहीं ठीक हो रही स्नोरिंग, तो भैया अब आ गया है टाइम डॉक्टर के पास जाने का। और इस तरीके के स्लीप एपनिया एपिसोड्स आपको रिस्क में भी डालते हैं, तो स्लीप एपनिया, चोकिंग, ये सारी चीज़ों से बचें। स्नोरिंग अगर हो रही है तो उसके जड़ पे जाएं, उसकी जो जड़ है नाक में है, गले में है, उसके रास्ते में है, मोटापा है, मोटा गला है, क्या इशू है उसको खत्म करें। सो दिस इज ऑल अबाउट स्लीप एपनिया, आई होप। सो दिस इज ऑल अबाउट स्नोरिंग। अगर आप स्नोरिंग करते भैया नहीं करते हो तो इसको शेयर करो, करते हो तो इसको देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। Stay connected and stay healthy.